हाय। हेलो। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये जगह कुछ अजीब लग रही है? बिल्कुल नहीं। आपके होते हुए मुझे कुछ अजीब कैसे लग सकता है? आइए बैठ के बात करते हैं। कुछ बात करना चाह रही थी। बोली जी, मैं जो बात आपसे करना चाह रही थी आप उसे प्लीज़ गलत मत लीजिएगा। मैं जो कहूँगी पूरी सच्चाई और सच्चे दिल की बात कहूँगी। कोई बात नहीं, आप खुल के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? तबरेज़ साहब, मैं जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हूँ मैं वैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैं जिंदगी को उसके पूरे रंगों के साथ जीना चाहती हूँ। तो आपको सारी किसी ने रोका आपको? कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है जो मेरे पास नहीं है। मैं अमीर होना चाहती हूँ। देखिए नैना साहबा, अमीर होना या पैसा एकदम आ जाना इतना आसान नहीं है। पैसे का हसूल इंसान के खून का एक एक कतरा निचोड़ लेता है। मैं सब करने को तैयार हूं, मुझे बस अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करनी है किसी भी तरह। मैं चाहती हूँ कि इसमें आप मेरा साथ दें। अगर आपने मेरा हाथ थाम लिया तो मैं वो सब हासिल कर लूँगी जो मैं हासिल करना चाहती हूँ। आप नैना, जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ और क्या सोच रही हूँ। देखो नैना, मैं तुम्हारी सब बातें समझ चुका हूं, लेकिन 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 तुम समझ नहीं रही। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, जब मैं हर तरह से आपका साथ देने को तैयार हूं? नैना, मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरी एक अपनी जिंदगी है। मैं आपकी उस जिंदगी में मुदाखलत नहीं करूंगी। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि आप मुझे अपनी जिंदगी का वो हिस्सा बना लें जिसमें सिर्फ आप हों, मैं हूं और कोई नहीं। पर ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ कहने की हद तक है। बट रियल लाइफ में इसको क्या हो गया नैना? मैं सारी कश्तियां जलाने को तैयार हूं, मैं हर तरह से आपका साथ देने को तैयार हूं, आप बस मेरी बात मान लो। तुमने मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया। अगर मेरी फैमिली को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब तक हम में से कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा कोई कैसे जान पाएगा? ठीक है, अगर मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूं तो मेरी कुछ शरायत होंगी। जी बताएं, मैं सब कर लूंगी। देखो नैना, इस माशरे में नाम है, एक वकार है, एक फैमिली है, एक स्टेटस बनाया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मेरा वो नाम, मेरा स्टेटस या मेरी फैमिली किसी किस्म की भी कोई परेशानी का सामना करे, और मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब परेशानियों के बाइस बनो। अगर तुम मेरी मर्जी पे पूरा उतर सकती हो तो मुझे बताओ। मैं वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि मैं हाँ सुनने के बाद ना सुनने का आदी नहीं हूँ।
सोच लिया और दिल पर लिख लिया। क्या कर रहे हो? मैं यहाँ नहीं आ सकता। नहीं सर, की इजाजत के बगैर कोई यहाँ नहीं आ सकता। तमीज से बात करो मेरे साथ, मैं तो आम आदमी नहीं हूँ। तुम चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, लेकिन सर ने यहाँ किसी के भी आने से मना किया, इसलिए तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से। तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, फिलहाल तुम दफा हो जाओ यहाँ। देख लूंगा तुझे। हाँ हाँ ठीक है, देख लेना, लेकिन अभी दफा हो जाओ। दिमाग के सारे फतूर निकाल दूंगी। ये भूल गई है कि ये गरीब घराने की बच्ची है, इसको याद कराना पड़ेगा कि टाट पर रहने वाले मकबल के ख्वाब नहीं देखते। क्यों क्यों नहीं देख सकते हम मकबल के ख्वाब? हम इंसान नहीं है, हमारा दिल नहीं है। सब कुछ ठीक है, हमारी हकीकत यही है कि जिसमें हम जिंदा है। मैं झुटलाती हूँ ऐसी हकीकत को, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारू। नैना तू खाला से किस तरह बात कर रही है? तू चुप कर, तू अम्मा का साथ देके मेरा दिल और जला रही है। मैं ऐसा कोई काम ना कर रही हूँ ना करूंगी जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी। देख लिया ना इसकी जुबान कितनी चल रही है। ये सारे में लाड प्यार का ये नतीजा है? इसका सिला मुझे ये देगी? फिकर ना करे, मैं समझाती हूँ। बस समझा लिया तूने, इसको मैं खुद समझा लूंगी अपने तरीके से। मैंने माँ बेटी की सारी प्लानिंग फेल कर दी। बहुत अच्छा किया, ये लोग ऐसा ही करते हैं, या तो घर के बच्चों को अपने झांसे में फंसाते हैं या फिर घर के मर्दों पर जाल फेंकते हैं। अगर उसने ऐसा सोचा भी ना तो उसके जिस्म से खाल लोच लूंगी। मामा आपने रजिया आंटी को क्यों निकाला? Because she deserved it. मामा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतने सालों से वो हमारे साथ है। तो क्या हुआ, मुलाजम ही तो थी, और मिल जाएगी। मेरे लिए वो मुलाजमा नहीं है। रीहा बिहेव योरसेल्फ, तुम देख नहीं रही मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ? आपकी इन्हीं दोस्तों ने आपका दिमाग खराब किया है, वरना आप ऐसी बिल्कुल नहीं थी। शट अप रीहा, अगर आइंदा तुमने मेरी किसी दोस्त के बारे में कुछ बात की तो अच्छा नहीं होगा। और तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने रजिया को क्यों निकाला? रजिया नैना की माँ है। क्या रजिया माँ नैना की माँ है? नैना ने तो मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, वो तुम्हें क्यों बताएगी? उन दोनों माँ बेटी की प्लानिंग जो थी मिलके इस घर से फायदा उठाने की। रजिया माँ ऐसी बिल्कुल नहीं है। देखा ये लोग कैसे अपना जाल फेंकते हैं।